कोरोना महामारी का मार झेलने के बाद अब पूरा देश उठकर खड़ा ही हो रहा था कि ऐसे में अब आ गया है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स ने पूरे राज्य में, पूरे देश में हलचल मचा दी है। हर न्यूज़पेपर का हेडलाइन हो या फिर न्यूज़ चैनल का डिबेट, और हो भी क्यों ना, मंकी पॉक्स लोगों को डरा रहा है। देश विदेश से आने के बाद मंकी पॉक्स अब हमारे झारखंड तक पहुंच चुका है। इसने दस्तक दे दी है। गढ़वा और पलामू से एक जो मरीज है मंकी पॉक्स के सामने भी आए हैं। हालांकि गढ़वा की जिस बच्ची को मंकी पॉक्स की लक्षण देखा गया है, उनका जांच सैंपल पुणे भेजा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर अस्पताल, रांची के सदर अस्पताल में। यहाँ पर मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या है मंकी पॉक्स, आप कैसे समझ सकते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है और उसके क्या लक्षण हैं। तो हम लोग तो कंसस हो गए हैं सब कोई कि इस चीज़ को देखना चाहिए। अभी फिलहाल जो लगा है कि एक गढ़वा में केस आया है किस तरह का, लेकिन अभी उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाया है। केस को भेजा गया है पुणे। पुणे से अगर हो जाएगा तो दो चीज़ सोचा है कि इसमें जो होता है कि वायरल वाला कोई चीज़ होता है, तो दोनों में से चिकन पॉक्स है कि मंकी पॉक्स है। तो उस मंकी पॉक्स या चिकन पॉक्स को देखेगा कि क्या हो जाता है। कन्फर्म अगर होगा तब तो और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। चिकन पॉक्स से भी उसका हो सकता है, उस तरह का चीज़ ढंग वैसा ही होता है जो कि मंकी पॉक्स में होता है। लेकिन ये देखना है कि ये विदेश में ज़्यादा फैला है, तो विदेश से जो लोग आएंगे वही यहाँ फिर फैला सकते हैं, ताकि एक केस से दूसरे केस में जाता है। तो ऐसी स्थिति में और ये सब जरूरी है, ये ध्यान रखना है कि अगर जिसको मंकी पॉक्स हुआ तो उसको सेपरेट आइसोलेशन में रखना है, क्योंकि वो दूसरे तीसरे को भी फैला सकता है। इसलिए ये व्यवस्था सबसे ज़रूरी है। तो हम लोग के यहाँ सदर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हम लोग उसको आइसोलेशन में रख सकते हैं। क्या है कि हमारा का कोविड का भी वार्ड था, कोविड का इतना केसेस हुआ है, तो उस तरह का व्यवस्था है जो कि उसको किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी सतर्कता है। कोई विदेश से आता है, कुछ इस तरह का करता है, तो कोई अपना ये करना चाहिए कि किस स्टेट से आया है जहाँ पर कि मंकी पॉक्स फैला हुआ है। तो ऐसे स्टेट वाले से जो आने वाले हैं तो सबको ध्यान रखना होगा। और थोड़ा सा भी अगर सिम्टम्स फीवर वगैरह का कुछ आता है इस तरह का, तो उसको सतर्कता बरतनी होगी कि हम लोग कम से कम उसको कंफर्म कर सकें कि केस हो गया है। और जिसको लेना है, जैसे जाँच लेता है तो कफ का, वहाँ पर थ्रोट का नेजल स्वाब लेके उसको हम लोग भेज सकते हैं बाहर, तो दोनों जांच के लिए भेज सकते हैं। दोनों जांच जरूरी है कि अगर मान लीजिए चिकन पॉक्स है या कि मंकी पॉक्स है, तो उसको उस तरह का अगर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और अगर सतर्कता बरती जाएगी तो डेथ रेट इसका कम होता है। भले ज़्यादा तक चलता है, आप 3 वीक्स 4 वीक्स तक जाएगा, लेकिन वो आपका ठीक हो जाता है। तो हम लोग आइसोलेशन में रखें, सही तरीक़ा से इलाज करें, तो इसमें सावधानी अच्छी रहेगी और मरीज ठीक रहेगा। और गवर्नमेंट तो बहुत इसके लिए तत्पर हो गई है, और यहाँ सभी जिला में इसकी व्यवस्था ठीक है, क्योंकि गढ़वा का अभी चला गया है पुणे, और वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगा तो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो एक ही अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में गढ़वा में हुआ है, अभी तो अब रांची में हम लोग सतर्क हैं। अब देखते हैं कैसा होगा, वैसा हम लोग दृष्टिकोण रखेंगे। मंकी वायरस के लिए रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि आमतौर पर ये जानवरों से कम्युनिकेट होकर इंसानों तक पहुंचा है। आमतौर पर हम देखें तो घरों में जानवर पालते हैं लोग, पालतू कुत्ते बिल्ली जो भी हैं, तो उस दौरान जैसे अभी मंकी पॉक्स की जो लहर आ रही है सामने, तो इस दौरान क्या कुछ घर में सतर्कता बरतनी चाहिए जिसके घर में पेट हो डॉग? हाँ, इसके लिए भी है कि मतलब क्योंकि जानवरों से फैल रहा है, तो हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि जितने भी आपके पालतू कुत्ते हैं बिल्ली हैं उसको अलग रखा जाए, बच्चे से अलग रखा जाए, घर से थोड़ा अलग रखा जाए, ताकि ये बीमारी अगर जानवरों में हो जाएंगे तो फिर तुरंत तो वो पूरे घर में फैल जाएंगे। इसलिए पेट को अलग रखा जाए, और अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है उसको अलग रूम में आइसोलेट किया जाए, और जल्द से जल्द किसी चिकित्सक को दिखाया जाए। अगर लक्षण पाए गए किसी में, जैसे आपने भी बताया बुखार के लक्षण है या फिर शरीर में भी कुछ असामान्यता दिखने लगती है, तो लक्षण दिखने के बाद जांच की क्या प्रक्रिया होगी? जांच की देखिए, वायरल की अभी यहाँ पर तो कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है, लेकिन क्लिनिकली हम लोग
डायग्नोस करेंगे इसको, कि अगर सिम्टोमेटिकली आपको फीवर है, सर्दी है, खांसी है, तो उसका अभी हम लोग सैंपल लेकर, उसमें मेन है कि स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ नोड जहाँ तहाँ आपको स्वेलिंग हो जाता है, तो अगर इस तरह से उसमें मतलब सिम्टम के साथ साथ ये लिम्फ नोड भी आ रहा है, तो उसको आइसोलेट करके उसका सैंपल हम लोग बाहर भेजते हैं। और जब तक, क्योंकि ये वायरल फ्लू है, तो ये टू वीक्स से सिक्स वीक होते होते अपने आप ये ख़त्म भी हो जाता है। तो मंकी पॉक्स से अफेक्टेड कोई इंसान अगर यहाँ पर आता है, तो आइसोलेशन वार्ड की, मैंने देखा कि पूरी यहाँ प्रक्रिया शुरू हो गई है, आइसोलेशन वार्ड मुहैया करा दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में लोग आ रहे हैं, उनको बेड मिल रहा है, उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होगी कि उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिले? यहाँ तो सभी तरह का फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ। हमारे सिविल सर्जन साहब सर भी ने पूरा अभी राउंड दिन में पूरा देख कर गए हैं, राउंड ले कर गए हैं सब कुछ। यहाँ सभी तरह का मेडिसिन उपलब्ध है। आइसोलेशन के लिए सिस्टर और वार्ड बॉय सब लोग अलग से हैं उसके लिए, आइसोलेशन के लिए। यहाँ पर बेड अलग से आइसोलेट किया गया है मंकी पॉक्स के लिए। तो लेट मी सी, अगर आते हैं पेशेंट तो हम लोग अलर्ट हैं। तो अलर्ट है, मतलब सदर अस्पताल की बात करें या फिर गवर्नमेंट के जारी निर्देश की बात करें, तो सभी अस्पताल, सरकारी अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए हैं। आइसोलेशन वार्ड मुहैया करा दिया गया है। जैसे ही संक्रमित यहाँ पहुँचेंगे, उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ देने के लिए पूरा राज्य, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने इस अपनी देख रेख में करवाया है, सारी इनको फैसिलिटीज़ मुहैया हो जाएंगी, करा दी जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही, जैसे डॉक्टर जी ने भी बताया कि आपको इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना काल जो है वो गया, कोरोना से इसको हम सिमिलर नहीं मान सकते हैं, इसको मानेंगे तो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स से सिमिलर मानेंगे। जो इनिशियल है इसके सिम्टम्स है वो भी आपको डॉक्टर जी ने बताया, अच्छे से बताया। तो इनिशियली जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने का भी आपको उपाय यहाँ पर बताया गया। इसको देखते हुए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं द न्यूज़ पोस्ट के लिए श्रेया।